पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या है? तो मॉलिकुलर सॉलिड इन विच, वह मॉलिकुलर सॉलिड जिसमें इन विच बाइंडिंग फोर्स इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में जो बाइंडिंग फोर्स होगी, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज व्हाट, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है? तो इन नॉन पोलर कंपाउंड, मतलब इन नॉन पोलर सॉलिड, जैसे ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, जैसे अगर आप ले लीजिए SO2 ले लेते हैं, सॉलिड SO2 इसके एग्जांपल्स। तो सॉलिड SO2 में क्या है? कहेंगे जी ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? तो ज़्यादा है सल्फर से, मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से, जिसके कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर के इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खिसका लेता है। यहाँ से थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ भी थोड़ी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? तो ये डायपोल, ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पैदा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायपोल पैदा हो गया। डाय मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। ये प्लस माइनस चार्ज का इंड्यूसमेंट होना ही क्या कहलाता है? तो ये डायपोल कहलाता है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप ले लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, तो इसमें भी क्या होगी, तो यहाँ भी डायपोल होगी, मतलब एक इंड पर माइनस, दूसरे इंड पर प्लस, एक इंड पर माइनस, दूसरे इंड पर प्लस, एक इंड पर माइनस, दूसरे इंड पर प्लस, एक इंड पर माइनस। अब ये जो डायपोल पैदा हुआ है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हो, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्लस माइनस चार्ज की, ये जो प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ दो इंड पर, इसी को हम लोग क्या करें, तो डायपोल। तो सॉलिड SO2 में जो बाइंडिंग फोर्स है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से जो बॉन्डेड होता है, वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ना, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहेंगे क्या, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिए, जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट होता है उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, तो ये आगे आप केमिकल बॉन्डिंग पर बताऊंगा मैं, मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल, इट इज अ डायपोल। तो जिस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होती है उसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट नहीं होती है उसे कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मतलब प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन, मतलब मॉलिक्यूल के एंड में प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है परमानेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट डायपोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट डायपोल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें वैसे मॉलिक्यूल जिसमें के एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है उसे हम डायपोल कहते हैं, और इस डायपोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल पैदा हो जाता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बाइंडिंग फोर्स होती है वह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, जैसे सॉलिड SO2 है ना, इट इज सॉलिड CO2 है, सॉलिड अमोनिया है,